वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि फेयोल के प्रिंसिपल को कैसे हम लोग शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग शॉर्ट तरीके से उसके प्रिंसिपल को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं, हर बच्चे को दिक्कत होती है 14 के 14 प्रिंसिपल को याद रखने में। ठीक, चलो पॉइंट्स अंदर के याद है वो मैंने क्लियर कर दिए आपको, आपको अंदर के पॉइंट्स याद रखने वो पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही नहीं याद आ रहा। तो हम क्या लिखें पॉइंट्स, उसलिए पहली बात तो प्रिंसिपल ध्यान में होना चाहिए, तो हम पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल सी ट्रिक में दोस्तों, CID user use soda, सिंपल सी ट्रिक, CID user use soda। अब ये कैसे सिंपल सी है, यार जरा देखो, C से क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। आई से क्या होता है, आई से एक ही है, इनिशिएटिव। ठीक, इनिशिएटिव। अब ये डी से क्या ले लें, डी से डिवीजन ऑफ वर्क ले लो, और नीचे जो एक और डी लिया दिया हुआ है इसको आप डिसिप्लिन ले लो। एक डी का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, एक डी का मतलब डिसिप्लिन। ठीक, ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो गया इनिशिएटिव, यानी कि 1 2 3 4 तो मैंने बता दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड, इस यू का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, एक हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, एक हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये 3S का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले वाले S का मतलब होता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये भी आपने पढ़ा है। क्या क्या क्या, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और एक S का मतलब है स्केलर चेन, और एक अगले S का मतलब है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल्स का मतलब एम्प्लॉयज होते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक, क्या बताया पहले का, पहले का मतलब है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्केलर चेन, और क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। ठीक, एक ई का मतलब क्या है, और एक और ई का मतलब क्या है, तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, एक ई का मतलब है इक्विटी, और एक ई का मतलब है स्पिरिट द कॉर्प, जो कि लास्ट वाला प्रिंसिपल है। ठीक, और आर का मतलब आप सब जानते हो, रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक, सिंपल सा ट्रिक था, सीआईडी यूज़र यूज सोडा, इसमें 14 के 14 प्रिंसिपल के नाम तो आपके आ गए, आप देखते याद कर लोगे। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क और डिसिप्लिन देखना चाहते मेरे दोस्त, 4-5 बार आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। ठीक है, जैसे मैंने सीक्वेंस में रखा है ना, जैसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क आता है, उसके पहले डी का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिसिप्लिन आता है, उसके यहाँ पर डिसिप्लिन लिख दिया। ठीक, यहाँ पहले यूनिटी ऑफ कमांड आता है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बोला, उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोला। यहाँ पहले सबऑर्डिनेट आता है, स्केलर चेन आता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आता है, उसी सीक्वेंस से मैंने सबको रखा। पहले इक्विटी आता है, उसके बाद स्पिरिट द कॉर्प आता है, उसी सीक्वेंस से मैंने आपसे बोला। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सिंपल से ट्रिक यार, अगर ये हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, और अपने चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ ही नहीं और भी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।